नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो क्लास है वो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट हैं और उन लोगों का क्लास चल रहा है वॉशिंग मशीन का। तो चलते देखते हैं इन लोग वॉशिंग मशीन में क्या क्लास किया नहीं किया ये सारे चीज़ों को जानते हैं और हम आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये सब वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है कि ये सारे चीज़ों को आप भी सीख करके और अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करके और खुद का रोजगार खुद से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं उनसे डिटेल जानते हैं और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं ये वॉशिंग मशीन में क्या सीख पाया नहीं सीख पाया ये सारे चीजों को जानते हैं। बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सर। मिथिलेश, मिथिलेश जी आप कहाँ से हो? पलामू से सर। पलामू से हो, इधर आप किस चीजों का क्लास कर रहे हो जी? कॉम्बो का कर रहे हैं सर। यहाँ एक तो कॉम्बो है, मतलब इलेक्ट्रीशियन में एक कॉम्बो पैक है। या सर कॉम्बो पैक वो वाले कोर्स को लिए है ना? या सर। चलिए उसके बाद आप वॉशिंग मशीन का भी क्लास कर रहे हैं? या सर वॉशिंग मशीन जी। वॉशिंग मशीन का क्लास आप कितने दिन कर लिए जी? 10 दिन से ऊपर होने वाला, मतलब 10 दिन से अधिक हो चुका है ना? हो चुका अभी चले। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का इसका प्रैक्टिकल क्लास किए कि नहीं? जी सर सब प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास सब किए। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों की है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर समझ में आ रहा है। देखते हैं कितना पानी में हो आप, है ना सर? सब चीज पूछेंगे जी। या सर इसी को बोलते हैं लाइव टेस्ट। क्या बोलते हैं? लाइव टेस्ट। और ये होना जरूरी है, ये जब तक नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तब तक या सर क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, काम बढ़िया से होगा कि नहीं होगा, उसके लिए लाइव टेस्ट जरूरी है ना? चलो ठीक है। और एक और स्टूडेंट हमारे पास है जिनका भी वॉशिंग मशीन का क्लास चल रहा है। बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंसूर आलम। आप कहाँ से हो जी? लातेहार जिला। लातेहार से हो? लातेहार और धनबाद कितना किलोमीटर का दूरी है? लगभग 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर दूर से आप इधर क्या चीज सीखने आए हो? इलेक्ट्रीशियन का काम सर। इलेक्ट्रीशियन का काम सीख करके क्या करोगे जी? शॉप करेंगे सर, अपना मतलब अपना दुकान चालू कर रहे हैं जी सर। मतलब सबसे पहले अपने अंदर कुछ सीख रहे हो जी सर, हाथों में हुनर डेवलप कर रहे हो जी सर, क्योंकि जिसके हाथ में हुनर है उसी का कदर है जी सर। अगर हुनर नहीं तो कोई नहीं पूछेगा जी सर, और हुनर रहेगा तभी तो पैसा कमाओगे जी सर। जी अच्छा, यहाँ सीखने का मेन मोटिव क्या है कि सीख करके अपना दुकान चालू करना, दुकान अपना रोजगार करना, अपना रोजगार करना है जी सर। मतलब रोजगार मांगने के लिए नरेंद्र मोदी को नहीं मांगना है? नहीं सर, खुद से जो अपना रोजगार स्टार्ट करेंगे ना सर। चलो ठीक है, तो इधर क्या क्या चीज का क्लास आपका हो गया जी? मेरा लगभग पूरा क्लास हो गया कॉम्बो का जो होता है, मतलब कॉम्बो पैक में जितना 12 कोर्स था सारा कंप्लीट हो चुका जी है जी सर। अभी लास्ट लास्ट में लास्ट चल रहा है सर। मतलब वॉशिंग मशीन का क्लास चल रहा है जी सर। तो वॉशिंग मशीन का पूरा प्रैक्टिकल क्लास किए कि नहीं किए? किए सर। तो देखते हैं क्या किए नहीं किए जी सर। दोस्तों इधर देखेंगे ये दोनों वॉशिंग मशीन का डॉक्टर बन रहा है और इन लोग वॉशिंग मशीन को पूरा ऑपरेशन कर रहा है। देखो कैसे कैसे क्या सीखा नहीं सीखा ये सारे चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो वॉशिंग मशीन में जितने सारे इधर कनेक्शन वगैरह ये तार वगैरह दिख रहा है ये सारे चीजों के बारे में प्रैक्टिकल सर समझाएं कि नहीं समझाएं? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में ये सारा कनेक्शन वगैरह के बारे में बताएं जी सर। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए तो कनेक्शन ये क्यों किया हुआ है, क्या काम करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप बताइए। ये सर हाँ ये मेन लाइन है सर, ये मेन लाइन है जहाँ से आप पावर दोगे, पावर देंगे सर जी। वो कनेक्शन ओके होना परफेक्ट है जी सर। आगे बताते चलेंगे क्या चीज का कनेक्शन है नहीं है सर। ये मोटर है जी, ये ड्रेन मोटर है जी, ये कपड़ा को ड्रेन करता है, सुखाने का काम करता है। इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसमें सर? ये डोर स्विच है जी, और इसका ब्रेक है जी, ये जो ब्रेक लगा हुआ है जी जी जी, और डोर स्विच है जो डोर मतलब ड्रेन करने के बाद हम उसको उठाएंगे तो अपने ऑटोमेटिक ऑफ, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा है ना, मतलब ऑटोमेटिक मशीन जी, तो ब्रेक भी लग जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो ये सारे सर्किट के बारे में, कनेक्शन के बारे में, चेकिंग प्रोसेस जी सर, ये ओके कंडीशन में है या नॉट ओके कंडीशन में है, मल्टीमीटर इसमें कैसे यूज करेंगे, चेक इसमें कैसे करेंगे,
ये सारा प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं आ गया सर? ये क्या किस के लिए दिया हुआ है? ये ड्रेन वाटर मतलब वाटर ड्रेन बाहर निकालने के लिए, मतलब वेस्टेज पानी को बाहर करेगा, ये बाहर निकालेगा, बाहर की ओर निकालेगा जी। दोनों से दोनों वाला क्लास वाला और ड्रेन वाला जी। इधर इसका क्लास हुआ कि नहीं? हो गया। ये क्या चीज है जी? ये वास मोटर है। वास मोटर, अगर ये खराब होगा तो क्या दिक्कत होगा? ये खराब होगा तो वास नहीं कर पाएगा। वास नहीं कर पाएगा है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या कंप्लेन आ सकता है? वाशिंग मशीन आपको कस्टमर बनाने दे जी, तो क्या क्या बीमारी लेकर के आ सकता है सर? ये पानी लीकेज हो सकता है, ठीक है, और ये जो सिलेक्टर स्विच है हाँ, वो खराब हो सकता है है ना। टाइमर खराब हो, टाइमर कैसे रिपेयरिंग करेंगे, उसका कैसे चेकिंग करेंगे? जी सर, टाइमर को चेकिंग करने के लिए सीरीज बोर्ड या मल्टीमीटर दोनों से कर सकते हैं। दोनों से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उसका हुआ क्या? हो गया सर। मतलब इस तरह का वॉशिंग मशीन आपको दे दिया जाए तो क्या रिपेयर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं सर। कैसे खोलना है? सबसे बड़ा चीज होता क्या जी? खोलने का डर जी। तो खोलने के लिए सीखा कि नहीं? यस सर। कैसे खोलना है, नहीं खोलना है, क्योंकि खोलते खोलते आधा बीमारी सही हो जाता है जी सर, पता है कि नहीं? पता चल जाता। और इसमें आपको समझ में आया सारी चीजों के बारे में जी? कोई चीज है जिसमें कंफ्यूजन है? नहीं सर, कुछ है। सारा प्रैक्टिकल मिला, ये सारे चीजों के बारे में सर क्लास दिए कि नहीं दिए? कनेक्शन कैसे खोलना है, कैसे जोड़ना है, इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे नहीं करेंगे, कौन वर्किंग में है कौन नॉट वर्किंग में है, यस सर, इसको चेक करके देखें कि नहीं देखें? सब देखे है ना। मतलब कोई तरह का प्रॉब्लम, परेशानी, गिला सिकवा कोई नहीं सर, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं ना है? जो है सर, वाश मोटर बना सकते हैं। अच्छा, वाश मोटर आप बना सकते हैं? वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन का डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं? बढ़िया से जी। यस सर। यस सर। किसी तरह का दिक्कत नहीं। आप यदि आपको यहाँ से चले भी जाओगे और आपके पास यदि कस्टमर लेकर के आ भी जाएगा या सर्विस करने के लिए जाओगे ना, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखें, लेकिन वहाँ कभी कभार कुछ में प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी समझे कि नहीं, उस समय सर से पूछना है, हेल्प लेना है। ये रिपेयर का दुनिया है जी सर, रिपेयर का दुनिया में एक ही बार में 100% हो जाओ ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे अलग मशीन दिखा, उधर जाओगे तो अलग वॉशिंग मशीन दिख जाएगा, है ना। अब जितने प्रकार का वॉशिंग मशीन है उतना तो यहाँ दिखा नहीं सकते नहीं, तो वो क्या होता है कि अगर कहीं कहीं फंसोगे तो उसके लिए मास्टर का नंबर, सर का नंबर एकदम सेव रखना है, और यदि कुछ दिक्कत होता है तो उसे पूछना है। और इसमें आप काम करोगे ना तो धीरे धीरे अनुभव आएगा और इसमें हीरो बनते जाओगे, क्योंकि सिंपल सा चीज है, अगर अक्षय कुमार हीरो बना है, अगर सलमान खान हीरो बना है, एक दिन में बना है क्या? कोई चाहे एक दिन में बन जाए तो बनेगा क्या? नहीं, उसके लिए उसके जैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जैसे मेहनत किया वैसे मेहनत करोगे तो धीरे धीरे बनोगे। वॉशिंग मशीन का भी धुरंधर मिस्त्री होगा मार्केट में? होगा। क्या एक दिन में बन गया? नहीं सर, अभ्यास से बन। जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हो वैसे प्रयास करते गए, वो भी करते गया, तब जाकर क्या हीरो बन पाया है ना। वैसे ही सीख गए हो, चलो ठीक है, सारे कामों को जान रहे हो, ठीक है, इधर से जाओगे काम करना शुरू करना है, क्योंकि आप लोग जो सीखे हो ये सीख के यूज जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा जी सर। और जितना जल्दी आप यूज करोगे, जो टीचर सिखाया है, अगर इसी चीजों को आप 6 महीना यूज कर दोगे ना, तो सिखाया हुआ से 4 गुना ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है जी। समझ रहे कि नहीं? जी सर। जितना काम करोगे उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा। अब इसको पूरा आप सेट करके दिखाओ, कैसे कैसे आप लोग सेट करोगे, सेट करो इसको फटाफट। अगर आप भी वॉशिंग मशीन का रिपेयरिंग सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से, इसका मदरबोर्ड है, मोटर है, कैसे कनेक्शन है, सर्किट है, ये सारे चीज़ों का अगर आप रिपेयरिंग करना सीखना चाहेंगे वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, तो आप भी हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जीरो लेवल से, पूरी बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी सारे का सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने अंदर, अपने हुनर, अपने हाथों के अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज ले करके और अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज का ऐसा समय है कि अगर आप जब तक अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपना काम को कैसे चालू करेंगे। इसलिए काम को चालू करने के लिए अपने अंदर हुनर होना
बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए कभी भी आप वॉशिंग मशीन वगैरह काम करो तो नट वगैरह खोलो तो नट वगैरह जब भी आदत डाल लेना है कि एक ही जगह सब रखेंगे और कस्टमर का एक भी नट लगना छूटना नहीं चाहिए क्योंकि पता है कस्टमर को आप कहीं भी काम करने दोगे तो अंदर में क्या किए नहीं किए वो देखता नहीं है, ऊपर से देखता वो क्या देखता है मेरा नटवा सब लगल है या फिटिंग है कि नहीं। हाँ, अगर आप नट में कमी कर देंगे तो बोलेगा मिस्त्री ठीक नहीं है, समझे कि नहीं। तो कोई भी काम करो पूरा फिनिशिंग करके काम को देना जरूरी है। चलिए इसको पूरे अच्छे से चालू करके दिखाओ जी क्या कैसे है, नहीं है चालू करो इसको इधर। ये सब के बारे में आपको क्लास मिला कि नहीं मिला? ये LG कंपनी का है ना, और LG कंपनी का महंगा आता है ना, और ये सब घरों में ज्यादा यूज होता है। इसको चला के दिखाओ, चालू करो क्या है नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसको पूरा जब आप लोग खोलें पूरा चीजों को समझें उसके बाद इसको चालू करना है जी। और ये स्टार्ट हो गया क्या जी सर? सी ये बताओ ये ऐसे घूमता है फिर ऐसे क्या घूमता है? ताकि कपड़ा को राउंड कर सके सर। हेलो जी। यस सर। कपड़ा को इधर उधर करके धोने के एक साइड क्यों नहीं घूमता? एक साइड घूमेगा तो फंस जाएगा सर, मतलब धुलाई नहीं होगा, कपड़ा को निचोड़ना है इधर उधर करना है ना, इसीलिए ये एक बार ऐसे आता है और फिर से राउंड करता है, करते जाता है ना ये। अच्छा इस तरह से जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है पानी डाल रहे हैं लीकेज हो रहा है तो उसको कैसे बना क्या चेक करोगे? ये गियर बॉक्स से लीकेज करता है, जैसे कि सिंपल सा चीज इसमें पानी जा रहा है लेकिन पानी निकल भी रहा है जी, स्टोर नहीं रह रहा है जी, तो ये ड्रेन स्विच खराब होगा सर। ड्रेन स्विच खराब होगा जी, नीचे वाशर लगा हुआ रहता है इसी से हो रहता है, उससे वो रहता है जी। अगर ऐसा हो कभी कभी कि पानी आ गया लेकिन पानी निकल नहीं रहा, ऑटोमेटिक नहीं निकल रहा, तब क्या करोगे? जाम हो गया है। क्या क्या चीज से जाम हो सकता है, कैसे जाम हो सकता है? जैसे कपड़ा का जो गंदगी रहता है हाँ उससे जाम हो सकता है, सिक्का हाँ। कभी गिर जाता है हाँ, मतलब सिंपल कपड़ा में कुछ रहा, कपड़ा का कुछ चीजें टूट के चला गया जिसके कारण से जाम हो सकता है जी सर, है ना। इसमें प्रॉब्लम कितने प्रकार का आता है वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग मशीन में देखिए सर पानी लीकेज का आता है ठीक है, एक प्रॉब्लम हाँ, और ये जो घूम रहा है ये एक साइड घूमने लगता है। वॉशिंग मशीन से आने वाला प्रॉब्लम सर आपको लिखा है कि कितने प्रकार का दोष आएगा जी सर, ये सारे दोष में से मतलब कितना टोटल प्रॉब्लम लिखा है? 12 प्रॉब्लम में से कोई भी बीमारी इसमें आ सकता है जी सर, 12 प्रॉब्लम के बाद भी कुछ भी आ सकता है जी, कुछ अलग भी आ सकता है, आ सकता है कि आ सकता है, क्योंकि ये बीमारी का बात है, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं कि 50 क्वेश्चन में कोई एग्जाम में एक आएगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं है सर, ये रिपेयरिंग का फील्ड है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो आपको लिखा है ये पूरे दिमाग में सेट होना चाहिए सर, है ना जी सर। सॉल्यूशन जो लिखा है वो पूरे दिमाग में सेट होना चाहिए जी सर, अगर ये आप सेट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है हर जी सर, समझ रहे कि नहीं जी सर। अगर ये सेट नहीं रहेगा तो कभी कभार क्या होगा जब तो देखो सिंपल, आप लोग यहाँ पे जो भी क्लास किए ना उसका सर जो भी प्रॉब्लम लिखा है सॉल्यूशन लिखा है उसको खाली समय में देखना है जी सर, में आपको ये देखना जी जरूरी है। ये डायग्राम बनाए वॉशिंग मशीन का, देखिए वॉशिंग मशीन का सारा फिगर बताए हैं कि कैसे कैसे काम करता है नहीं करता है। देखो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लोग बोलता है खाली प्रैक्टिकल, गलत चीज है, थ्योरी रहेगा तो भूल जाने के बाद देख, थ्योरी रहेगा तो आप प्रोसेस से काम को करोगे जी सर। और अगर सिंपल सा चीज, चलो सर के पास एक वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम आया, आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं सीधे प्रैक्टिकल करके दिखा देगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा नहीं। और आपको थ्योरी यदि बताया है, थ्योरी में क्या होता है एक बीमारी का कई सोल्यूशन होता है, एक बीमारी का कई लक्षण होता है, वो सारे चीजों को लिखाना पड़ता है समझाना पड़ता है ना। तो जो भी आपको सर इधर बताएं ये भी दिमाग में होना चाहिए, प्रैक्टिकल जो किए ये भी दिमाग में होना चाहिए, ये सारे चीज दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी में डाउट लगता है ये सब चीजों में, एक बार दो बार और समय निकाल के प्रैक्टिकल कर सकता है, समझ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या कर सकता है? एक बार दो बार और प्रैक्टिकल कर सकता है, मतलब कोशिश करना है कि पूरा डर खत्म हो जाए। देखो बाबू जितना हो सकता है हम प्रयास कर सकते हैं आपको अच्छे से सिखा करके भेजने के लिए जी सर, है कि नहीं। तो अगर इसमें किसी भी तरह का गिला सिकवा लगे क्या दिक्कत है, और एक दो घंटा सर देंगे आपको जी सर, लेकिन अच्छे से करके जाना है ना।
कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका मदरबोर्ड का क्लास हुआ क्या? नहीं अभी हो रहा है। मतलब मदरबोर्ड का मतलब इसका मैकेनिकल भाग हो गया सर? मैकेनिकल का इसका हो गया सर, ऑटोमेटिक का। अच्छा इसका पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑटोमेटिक का मदरबोर्ड का क्लास हो रहा है जी सर। चलिए मदरबोर्ड का क्लास कीजिए, उसके बाद देखते हैं मदरबोर्ड में क्या सीखते नहीं सीखते हैं जी सर। हेलो जी, कोशिश करना है। यस सर, उम्मीद है जी। देखो इसका एज थोड़ा ज्यादा है, तेरा एज थोड़ा कम है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो भी सीखने आया है ना जी, वो बड़ा उम्मीद लेकर के सीखने के लिए आता है जी सर। पहले बात को समझिएगा, है कि नहीं? घर से उम्मीद लेकर के आए कि नहीं? प्रयास करना है जी अच्छे से सीखने के लिए, और अच्छे से सीखने के लिए जो करना पड़े वो करना, ठीक है? जितना बार सर से पूछना पड़े, देखो बाबू सीखने के लिए किसी भी लोगों से ज्ञान लेने के लिए उसको प्यार मोहब्बत से सीखना पड़ता है। Yes, तो मास्टर से एकदम प्यार मोहब्बत से रहना, जो दिक्कत है प्यार से जितना पूछोगे उतना बताएगा, समझ रहे कि नहीं? Yes, कुछ भी पाने के लिए प्यार से मांगोगे तो आदमी जान निकाल के दे देता है, देता कि नहीं देता है? Yes, तो प्यार मोहब्बत से उसको पूछते रहना है। यहाँ से जाओगे तब भी पूछना है जी, जितने सारे बहुत सारे क्लास किए ना जी सर, तो डाउट तो आएगा है ना? तो सर से पूछना है, आज आप लोग वॉशिंग मशीन का क्लास किए, कैसे क्या किया नहीं किया, कुछ चीजों को जानकारी लिए है ना जी। अच्छा जानकारी रहा, और इधर से जाकर के काम को स्टार्ट करोगे जितना जल्दी हो सकता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भी चीज है, हम किसी काम को जब चालू करने जाते हैं ना जी, जो इंसान सोचता है ना कि इस काम में हम 100% होकर के काम चालू करेंगे, तरीके वो काम चालू कर ही नहीं पाता है। नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता पता है? वो 100% किसी दिन हो ही नहीं पाता है। वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग आप लोग सीखे तो सर आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बताएं जी सर। ये सारे प्रॉब्लम के बारे में आपको अपना दिमाग में सेट रखना है सर, और इसका सोल्यूशन भी बताएं, ये भी सेट रखना है सर। अब ये सेट करने के लिए बीच बीच में कभी थ्योरी को भी देखना है। अगर आप जाओगे यहाँ से काम करोगे, काम में बिजी रहोगे, लेकिन जब कभी खाली रहोगे तो रील्स नहीं देखना है जी, ये वाला रील्स देखना है जो सर लिखा है, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये आपको आगे लेकर के जाएगा, और फेसबुक वाला रील्स देखोगे तो आपको पीछे लेकर के जाएगा, समझे कि नहीं? तो कोशिश करना है। और भी क्या क्लास किए, मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं उसका हम वीडियो लेते हैं, देखते हैं क्या सीखा नहीं सीखा, हकीकत पता चलेगा, ठीक है जी? फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। ठीक, चलिए दोस्तों आप सभी ने, हम ये दोनों स्टूडेंट, हमारे पास दोनों स्टूडेंट है वॉशिंग मशीन के क्लास कर रहे थे, उसके बारे में कुछ जानकारी दी है, और वो चीजों को आप सुने, अपना बहुत ही कीमती बहुमूल्य समय को दिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।